नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSC फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि CSC फेल अपना EKYC कैसे अपडेट करेंगे तथा फेल कैसे चेक करेंगे कि उन्हें EKYC अपडेट करने की आवश्यकता है, यानी आप अपना KYC कैसे अपडेट करेंगे और अपडेट करने की आपको आवश्यकता है या नहीं, इसे कैसे जांच करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSC के पल पल की खबर मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि EKYC कैसे अपडेट करना है और इसे कैसे जांच करना है कि अपडेट करने की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले अपने CSC पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे आएंगे और नीचे आप देखेंगे सेकेंड नंबर स्थान पर आपको अकाउंट का ऑप्शन है। इस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ शो होगा। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने माई प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ टोटल डिटेल्स आपका शो होगा, यहाँ टोटल डिटेल्स आपका शो होगा। इसमें आपका देखेंगे पैन का एक ऑप्शन दिया गया, पैन एक्टिवेशन का यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर सेकेंड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस शो करेगा कि करंट पेन आपका यहाँ लिंक है या नहीं। यहाँ देखिए दिखाई रहा है कि आपका पेन कार्ड लिंक है और यहाँ पर भी नीचे शो कर रहा होगा कि आपको करंट पेन लिंक कर लेना है। यदि आपका करंट पेन लिंक नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसको लिंक करें। यदि नहीं लिंक करेंगे तो आपका ID डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पढ़ लेंगे कि नीचे लिखा गया कि आपका करंट पेन कार्ड लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द लिंक करें, अन्यथा आपका ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर करंट पेन लिंक है इसका मतलब है कि आप अपने KYC को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि चेक कर लीजिए कि आपका पेन लिंक है कि नहीं। इसके बाद KYC अपडेट करने के लिए आप क्या कीजिए, कोई नया टैब ओपन कर लीजिए और नए टैब में आप टाइप करेंगे CSC रजिस्ट्रेशन। यहाँ टाइप करेंगे CSC रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे और इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ CSC रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन है, आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको CSC ID और पासवर्ड डाल लेना है और फिंगरप्रिंट का स्कैन करना है। इस जो कोड दिया कोड को यहाँ भर करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह क्या होगा, आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो आप क्या करें, डिवाइस में फिंगरप्रिंट लगा लेंगे क्योंकि फिंगर कैप्चर करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ CSC ID डालेंगे, फिंगरप्रिंट का चयन करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके स्मार्टफोन में लाइट जलेगा, उसके लिए यहाँ कैप्चर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, कैप्चर फिंगर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्मार्टफोन में लाइट जलेगा, अपना फिंगर रखेंगे। जैसे फिंगर रखेंगे तो ऐसा आपका प्रोसेसिंग होगा, इसके बाद यह खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ देखेंगे, जैसे खुलेगा तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ दिया गया है स्टेटस एक्टिव। यहाँ से देखिए स्टेटस एक्टिव लिखा है। यदि आपका स्टेटस एक्टिव लिख रहा है तो आपको पेन का कोई भी KYC अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपका KYC अपडेट है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ स्टेटस एक्टिव नहीं है तो आपको KYC अपडेट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, बिल्कुल आप याद रहें कि यदि एक्टिव है तो आप इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपका जो ID है डीएक्टिवेट हो सकता है, आपका ID पेंडिंग में चला जाएगा और पेंडिंग में जाएगा तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक पुनः आप उसमें काम नहीं करेंगे, बहुत सारा समस्या हो सकता है। तो आप यहाँ पहले चेक कर लीजिए कि आपका स्टेटस एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यह एक्टिव नहीं है तो आपको KYC करने की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ जब आएंगे तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ डिटेल्स दिया गया है कि KYC डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आप यहाँ पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स दिया गया है, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स दिया गया है, बैंकिंग डिटेल्स है, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहीं पर अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड है तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
तो अगर स्टेटस एक्टिव है तो केवल आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहीं पे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन आप अपलोड कर देंगे। यदि आप चाहते हैं बैंकिंग डिटेल्स अपडेट करना तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे जब कोई CSC ID नया नया लेता है उस समय सेविंग अकाउंट भी सबको दे देता है। यदि आप करेंट अकाउंट ओपन करा लिए हैं तो यहाँ आकर के आप अपना अकाउंट अपडेट कर लीजिए। अगर आप पर्सनल डिटेल्स कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से KYC कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह तभी कर सकते हैं जब आप में कोई गड़बड़ी हो तब। अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो कहीं छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना मतलब का छेड़छाड़ करते हैं तो आपका ID पेंडिंग में चला जाएगा और जब तक पेंडिंग में रहेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। HO द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद ही आप कोई काम कर पाएंगे। अतः यहाँ कोई भी चीज़ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर स्टेटस एक्टिव है तो सिर्फ आप पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ आइए, अपलोड कर दीजिए, आपका टोटल काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हिंदी कर लीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि आप 60 दिन के अंदर अपना कोई भी स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। 60 दिन के में एक बार ही आप अपडेट कर सकते हैं, यानी यहाँ से कोई भी चीज़ अपडेट करना है तो 60 दिन में एक बार। तो अपडेट करने के बाद क्या हो, पेंडिंग में चला जाएगा, पेंडिंग के बाद HO द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो आप तभी अपडेट कीजिए जब उसमें कोई गड़बड़ी हो, अन्यथा अपडेट न कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है, एक्टिव है तो आपको कुछ नहीं करना है, और एक्टिव नहीं है तभी आपको KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, KYC कर लेना है। और यदि एक्टिव है तो केवल आपको क्या करना है, अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देना है। इसका कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेल साथियों।